इस बीच बीपीसीएल कंसिस्टेंटली 1000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, अभी भी 1.5% ऊपर, यानी 16 रुपए कम हो। बीपीसीएल पर नितिन अगला टारगेट क्या होगा? नितिन जी, माफ कीजिए नितिन, बीपीसीएल आज भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 1000 के ऊपर है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा यहाँ पर? बीपीसीएल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंसर्वेशन बनना चाहिए, 1030 के ऊपर मुझे स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ। चलिए इस बीच थोड़ा सा डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं, वायदा कारोबार को। एग्जैक्टली वायदा कारोबार क्या कर रहा है? निफ्टी फ्यूचर्स, देखिए निफ्टी स्पॉट जो है जिस ट्रेजिक्ट्री में कारोबार कर रहा है वो है 8091। सुबह करीब 17-18 अंकों का प्रीमियम था निफ्टी फ्यूचर्स से, बाजार खुलने गिरने के बाद भी अगर आप देखें इस वक्त 8110, यानी करीब 19 अंकों का प्रीमियम, तो मोरलेस अगर आप देखें वहीं पर ही है। अब आइए देखते हैं कि देखिए आज के सेशन की इस क्लोजिंग के साथ दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, 8000 की पुट और 8100 की पुट। अगर ये आने वाला ब्रेग्जिट, आने वाला अगर आप देखें यूएस फेड का बैठक, उससे बाजार घबरा रहा है, ट्रेडर घबरा रहे हैं, एफआईज घबरा रहे हैं, एग्रेसिव मनी घबरा रही है, तो देखिए आज इसके ओआई जो है, हालांकि ये इंटरडे है, ये एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देगा फ्रेंकली स्पीकिंग। आज यहाँ पे करीब 6 लाख से जुड़े हैं और आउटस्टैंडिंग ओआई अगर आप देखें वो पहुँच गया करीब 75 लाख का, और ये 8000 की पुट है आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, लेकिन सेटलमेंट के बाद देखना पड़ेगा। 8100 की पुट 10 लाख, प्रीमियम करीब 2700 रुपये बढ़ा, आउटस्टैंडिंग ओआई 55 लाख का, क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे। लेकिन आई थिंक हाँ, एक 8200 की पुट को और 8200 की कॉल को और 8100 की कॉल को देखकर हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ट्रेडर्स का आज के इस प्राइस डैमेज के बाद कितना कन्विक्शन है कि पुलबैक कमजोर होगा। ह्यूज राइटिंग है, आई थिंक 8200 करीब 5.5 लाख से जुड़े, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग राइटिंग है क्योंकि 3600 रुपये प्रीमियम कम हुआ है, आईवीज ड्रॉप हुई हैं आज शार्प तरीके से। 8100 की कॉल ऑप्शन को देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, 8100 की कॉल यहाँ पर भी अगर आप देखें ह्यूज राइटिंग 9.25 लाख। अगर आप पैरिटी देखें जरा एक बार, 81 पुट और 81 कॉल शफल कर दीजिए, यहाँ पे कितने हैं 9.25 लाख से जुड़े हैं विद द प्रीमियम डिक्लाइन बाय 48 रुपीज, ह्यूज कॉल राइटिंग। और अगर आप 8100 की पुट को देख लें तो ये पैरिटी क्या कहती है, करीब 11.5 लाख शेयर यहाँ पर बाय हुए हैं। हालांकि देखिए अभी मैं एक चीज़ को कह सकता हूँ कि 8200 पे आज अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, 8100 का और 8000 की पुट का आज का क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़रूरी होगा। निफ्टी बैंक पे भी बात करूँगा कुछ देर में, लेकिन ये रही आपके स्क्रीन पर 8000 की पुट। खैर इस पर अगर आप देखें, मैं अभी मेरे साथ कोई मेहमान नहीं है टेक्निकल से बात करने के लिए, वरना बात करता मैं इस पर। एक दो चीज़ और देख लेते हैं निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक पर इसी तरह अब 2-3 इंडिकेटर्स हैं मार्केट के, एक 8000 की पुट हो गई, एक 8100 की पुट हो गई और एक निफ्टी बैंक समहाउ इसने अब तक 17500 को होल्ड किया, लेकिन शायद लगता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पर उसको होल्ड कर पाएगा क्योंकि अब एक बार फिर से दिन के निचले तरफ की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए 19000 शेयर यहाँ जुड़े हैं। अब हमारे साथ जेके भी जुड़े हैं बात करने के लिए। जेके जैन, जेके आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जेके, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग आज 82 की स्ट्राइक पर हुई है और जिस प्रकार से अगर आप देखें मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज 66 लाख 63 लाख के 8100 और 8000 की पुट पे थे, आपको क्या लगता है नेक्स्ट वो जोन जिस पे मार्केट सेंटर करने वाले हैं या फिर यहाँ से मार्केट पुल बैक देगा? एक नहीं, जिस हिसाब से अगर देखिए आई थिंक बिगनिंग ऑफ द सीरीज से 8000 के पुट में काफी हद तक राइटिंग देखने को मिली थी, कंटिन्यू हुआ था वो करीब करीब, अभी भी एडिशन होते हुए दिख रहा है, तो 8000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। बट कॉल में अपनी राइटिंग देखने को नहीं मिली थी, बट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 82-83 कॉल में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक मार्केट अब दायरे में रहेगा। ग्लोबल ट्रेंड काफी क्रिटिकल रहेगा मार्केट के लिए, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से 8000-8250 का एक रेंज रहेगा, इसी रेंज में मार्केट घूमेगा। अगर ग्लोबल वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, तो देन वी कुड सी दैट 8000 लेवल पे ब्रेक करने के चांसेस है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तो सन फार्मा एडवांस, आप देखिए कैसा अचानक से एक स्पाइक देखने को मिला है, काउंटर इस समय करीब 1.5% ऊपर है। साथ ही HCL इन्फो सिस्टम्स है, यहाँ पर करीब 2.25% का मूव है, अच्छा मूव इस समय यहाँ पर है। इंडिया सीमेंट्स और एक काउंटर है जिस पर मूव देखने को मिल रहा है, करीब 2.25% ऊपर यह है इस समय। और साथ ही कुछ और काउंटर्स में रिको ऑटो है जिस पर बाउंस देखने को मिल रहा है, इंट्राडे लो से रिकवरी जरूर है। लेकिन इंडिया सीमेंट और जो बाकी सीमेंट स्टॉक्स हैं उसमें सिद्धार्थ आपकी टॉपिक कौन सा स्टॉक है?
देखिए लार्ज कैप स्पेस में तो अल्ट्राटेक ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जेपी के एक्विजिशन के बाद इनकी साइज बन चुकी है और वैल्यूएशन अराउंड 170-180 डॉलर्स पर टन की दे रही है, तो वो प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, साथ ही साथ अगर मिड कैप स्पेस में देखा जाए तो रैमको सीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जो ऑस्ट्रेल मद्रास सीमेंट हुआ करता था, तो रैमको सीमेंट हम मानते हैं कि परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। हालांकि चैनल चेक्स करने बाकी हैं, बट जो हम समझ रहे हैं कि नॉर्थ और वेस्ट में 15-20 रुपये पर बैग की प्राइसिंग बढ़ाई गई है, तो ये देखते हुए हम मानते हैं कि रियलाइजेशन भी बेटर हो सकते हैं। मॉनसून अगर अच्छे जाते हैं तो हो सकता है 1-2 महीने की थोड़ी नरमी ज़रूर रहे डिस्पैचेस में, बट अगर मॉनसून अच्छा जाता है तो हम मानते हैं कि दिसंबर नवंबर से पिकअप काफ़ी स्ट्रांग होगा, डिस्पैचेस काफ़ी स्ट्रांग होगा सीमेंट स्पेस में। जी, इस बीच आप देखिए एक इंडिया सीमेंट्स मिड कैप स्पेस में 97.75 पर 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये स्टॉक आप देखिए आज एक डिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस के साथ जो वाइब्रेंसी थी ना इस स्ट्रक्चर के अंदर उसको मेंटेन रखते हुए, वाइब्रेंसी ये है और संकेत ये है कि भाई मैं अपने ऑलमोस्ट 2014 के फर्स्ट क्वार्टर से, मैंने CY14 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी मार्च 2014 से लेकर अब तक जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसके हाइस को काटने की तैयारी कर रहा हूँ। खैर नितिन, आखिरी प्रश्न होगा आपसे यहाँ पे सीमेंट स्पेस पे आपकी राय, और मिड कैप सीमेंट में आप कोई खास स्टॉक जिसको चेज करना चाहते हैं या फिर लार्ज कैप में अगर आपकी कोई चॉइस हो तो? जी, सीमेंट पे ओवरऑल तो ट्रेंड बुलिश ही है, मतलब ज़्यादा करके स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर चुके हैं। लार्जर स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ ए गुड पिक, मगर जहाँ पर जैसे आपने अभी इंडिया सीमेंट्स की बात करी, एक अंडर परफॉर्मर रहा है स्टॉक नो डाउट, मगर 100 रुपये के ऊपर एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से, और 120-125 तक का उसमें अपमूव हो सकता है अगले 2 महीने की अगर हम बात करें तो। सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ गुड पीक फ्रॉम करंट लेवल्स। दूसरा एक आउट स्पेस में है रैमको सीमेंट, जो कि मतलब क्लियर आउट परफॉर्मर इन पास्ट 3 ईयर्स, स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, तो मेरे हिसाब से 570 तक का एक अपमूव उसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए नितिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बीच आज CPI के आंकड़े आने वाले हैं, उससे उम्मीदें क्या है ये एक बार देख लेते हैं। संदीप है हमारे साथ, संदीप बताइए। आज शाम 5:30 बजे आंकड़े जारी होंगे और मई के जो आंकड़े आएंगे CPI महंगाई के उसमें हल्के अपटिक की बाजार जो अनुमान है वो करके चल रहा है। अप्रैल में आपको बता दें 5.4% पर आंकड़ा रहा था, तो उस लिहाज से देखा जाए 0.2% के आसपास का मंथ ऑन मंथ एक गेन इस बार CPI महंगाई में देखने मिल सकता है। फूड इन्फ्लेशन ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इस बार जो महंगाई है उसमें एक अपटिक देखने मिल सकता है। मानसून अच्छा रहेगा तो उसकी उम्मीद तो है कि जिसकी वजह से फूड के प्राइस नीचे आएंगे, लेकिन मई का महीना जहाँ तक अगर आप देखें तो फूड प्राइसेस में बढ़त आई है जिसकी वजह से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री है उसमें एक बढ़त देखने मिल सकती है। वेजिटेबल प्राइसेस, दालों की कीमतें, चीनी की कीमतें, इसकी जो रिटेल कीमतें हैं इनमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। दालों की कीमतें करीब 2-8% बढ़ी है मई महीने में। वेजिटेबल्स में आलू और टमाटर इनकी कीमतें अगर आप देखें 15-43% के आसपास का सर्ज देखने को मिला था, और चीनी की जो रिटेल कीमतें हैं वो मई महीने में करीब 5% के आसपास बढ़ी हैं। तो इन 3 मेन फैक्टर्स की वजह से फूड इन्फ्लेशन में अपटेक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो CPI महंगाई के आंकड़े हैं उसमें एक बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फ्यूल के जो प्राइसेस है उसमें भी इजाफा हुआ था। रिटेल प्राइस में अगर आप देखें पेट्रोल करीब 1.25 रुपये और डीजल की जो कीमतें हैं वो करीब 2.5 रुपये प्रति लीटर के आसपास बढ़ी हैं मई महीने में, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन को एक पुश देखने को मिलेगा और बढ़त के जो उसके साथ जो नंबर है वो देखने को मिल सकता है। 5.4% अप्रैल में था, इस बार अनुमान है कि बढ़कर 5.6% के आसपास के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें फूड इन्फ्लेशन एक मेन फैक्टर रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये एक मेन फैक्टर होगा, इस पर नज़र रहेगी। शुक्रिया संदीप इस अपडेट के लिए। लेकिन रेट सेंसिटिव स्पेस की बात करते हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स में सिद्धार्थ आप क्या कर रहे हैं इस समय, क्योंकि एटलीस्ट ऑन द रेट साइड तो अब कुछ एक्शन बड़ा एक्सपेक्टेड है नहीं, एटलीस्ट नज़दीकी भविष्य में। आप रियल एस्टेट स्टॉक्स में क्या करेंगे सिद्धार्थ? देखिए भैया, ग्राउंड लेवल की रियलिटी यही है कि अभी भी कोई ट्रैक्शन नहीं है रियल एस्टेट स्पेस में, हाई इन्वेंट्रीज है, और अगर जो भी रेट कट हम देखे हैं 150 बेसिस पॉइंट के वो भी फुल्ली कम्प्लीटली बैंक द्वारा पास ऑन नहीं किए गए हैं,
तो ये सब देखते हुए और साथ ही साथ कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड और इरिपेरेबल पोजीशन पे आ चुकी है बहुत सारी कंपनियों की, तो हम नहीं मानते हैं कि रियल एस्टेट पैक में कोई बड़ा रिवाइवल आ सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और अगर किसी को रियल एस्टेट पैक में अगर पिक करना भी है तो हम मानते हैं कि साउथ बेस्ड कुछ एक कैश रिच कंपनीज है वहाँ पे बैट किया जाए, बट ओवरऑल स्पेस में हमारी कोई कवरेज नहीं है तो रिकमेंडेशन देना भी मुश्किल है। जेके एग्जैक्टली आप रियल स्टेट स्पेस में या फिर आई थिंक विद इन द बास्केट ऑफ रियल स्टेट काफ़ी वाइब्रेंसी रही है, इंडियाबुल्स हाउसिंग, इंडियाबुल्स रियल, आप DLF को देखिए क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है इसने, आप इसमें से कुछ सेल ऑफ स्टॉक्स इनको चेज करना चाहेंगे? जी इस बीच जी एंटरटेनमेंट और एक काउंटर है जो कि इस समय करीब 1.25% ऊपर है, भारतीय इंफ्राटेल, ल्यूपिन और सन फार्मा, ये कुछ इन्हें काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। भारतीय इंफ्राटेल आपको कैसा लगता है सिद्धार्थ? देखिए ये हमारे कवरेज में भी है और हम मानते हैं कि यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस बैठ सकता है, स्पेशली टावर बिजनेस के वैल्यूएशन भी बेहतर होते जा रहे हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है क्योंकि छोटी बड़ी एक्विजिशन भी की गई है कंपनी द्वारा, तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ज़रूर आ सकता है कंपनी में। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भारतीय इंफ्राटेल पर हमारा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। जी चलिए इस बीच कुछ देर में फाइनल बैट आपका इंतजार करिए, लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए आप। इस बीच STC सत्र के अंतिम छोर में लगभग 2% ऊपर, अब तो एक शार्प मूव, अभी अगर आप देखें 3 दिन से इसमें कायम है, एक दिन बड़ा स्पाइक उसके बाद आई मीन ठीक है, अगर आप देखें जिस दिन खबर आई थी न्यूक्लियर ड्यूल वाली और 9-6 प्लांट्स की अगर आप देखें स्थापना न्यूक्लियर रिएक्टर्स के भारत में स्थापना की बात की गई थी उस दिन क्या सब्सटेंशियल मूव था इस काउंटर में, आज 141 पे कारोबार करता हुआ 140-150 के स्तर पे। सन फार्मा ये करीब 10% ऊपर है और एक सन फार्मा एडवांस ये भी अगर आप देखें लगभग 2% ऊपर 4.5% की तेजी लेकर एक छोटा सा अगर आप देखें मूव लेके कारोबार कर रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को देखिए 3.5% ऊपर, यहाँ लॉजिस्टिक्स में आज काफ़ी वाइब्रेंसी बनी रही, स्नोमैन हो गया और इनफैक्ट गति को देखें तो गति क्या कर रहा है इस वक्त, गति आपके स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 170, माई गॉड गति में आई थिंक मैं कुछ देर पर डिस्कस करूंगा, कुछ नेगेटिव पहलू हैं पता नहीं बाजार को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 135 से अब 170 के स्तर पे कारोबार करता 170।